आज देश की स्थिति कांग्रेस कार्यकाल से बेहद बदतर है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका मुकाबला नहीं है। देश की जीडीपी देख लीजिए, नोटबंदी और जीएसटी से जितने हालात बिगड़े हैं, ये कहते कुछ भी फेंक रहे, लेकिन जनता तो देख रही है कि क्या हालत हो रहे हैं। आज जो है आरबीआई का रिपोर्ट आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक से लोन, देश की बात कह रहा हूं मैं, आप तकरीबन 5 साल में जो कर्जा है हमारे देश के ऊपर बाहर से लिया वर्ल्ड बैंक से 25% 5 साल में बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हम आए हुए हैं बरखल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार विजय प्रताप जी के पास। लोग कह रहे हैं कि हार के भी जीत गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जीत के हार गए हैं। आखिर हुआ क्या है, जीत के हारे हैं या हार के जीते हैं? मैं विजय जी आपसे ही जानना चाहूंगा। जी जी, आप हार के जीत गए या जीत के हार गए? देखिए, हार जीत तो जो निर्णय है वो तो सर माथे पर है, बाकी मुझे जो आशीर्वाद और प्यार मिला है इससे मेरा हृदय अभिभूत है और मैंने इसीलिए आभार का कार्यक्रम रखा है कि मैं सभी का आभार व्यक्त कर सकूं और उनका आशीर्वाद निरंतर मैं लेता रहूं। आपको उम्मीद था चुनाव के दौरान कि इतने ज्यादा प्यार मिलेंगे आपको? वैसे तो कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए हर कोई कहता है हम जीत रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपको लग रहा था इतना जनसैलाब आपके साथ उमड़ेगा? नहीं, मुझे जीतने की तो पूरी उम्मीद थी, लेकिन इतने प्यार की उम्मीद नहीं थी, तो मैं जीत तो नहीं पाया लेकिन प्यार मुझे कई गुना ज्यादा मिला, आशीर्वाद, इस मामले में मैं खुशकिस्मत रहा हूँ। तो क्या आगे 5 साल, आप जिस प्रकार से बाबूजी कह रहे थे कि विपक्ष के मतलब सत्ता पक्ष के लोग पिछले 5 साल में जब चुनाव जीते वो, उसके बाद पहले दिन से ही वो लग गए अगले चुनाव के लिए, अर्थात इस चुनाव के लिए जीतने के लिए, चुनावी मोड में थे, आज से क्या आप अगले चुनावी मोड में होंगे या देखिए तरह से तैयारी करेंगे? देखो, शांत होंगे, हमारी कुछ सीमाएं थी, हमारी पार्टी में जो 5.5 साल झगड़ा रहा, हम लोग हर मंच पे वो बात उठाते रहे, भाई कोई बात समय की बात है, उसका भाजपा फायदा ले गई, लेकिन फिलहाल हमारे यहाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, पार्टी ने सशक्त नेतृत्व दिया है, बहुत बैलेंस टीम बनाई है और अब हम सकारात्मक और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और रही बात इलेक्शन मोड की, तो कोई इलेक्शन मोड वाली बात नहीं है, हम तो सेवा मोड में रहने वाले आदमी कि भाई लोगों के बीच में रह के जो हमें हमारा दायित्व हमें पूरा करना चाहिए, तो सेवा मोड में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सेवा मोड में रहेंगे और जिन किसी की भी समस्याएं होंगी, जैसे कि कहते हैं अब जब विधायक को पता चलेगा कि ये लोग हमें वोट नहीं दिए थे, पिछले 5 साल तो उन्होंने उनको सताया ही, क्या इस बार और ज्यादा सताने का जो काम करेंगे और जो लोग उसके पीड़ित होंगे उनके साथ आप कैसे खड़े होंगे, इसको आप कैसे निभाएंगे? देखो, ऐसा अभी कल का ही वाक्य है, हमारे NIT 86 के विधायक, उनके भाई मुनेश शर्मा को सारा दिन हिरासत में रखा गया पूछताछ के लिए। मैं ही नहीं कह रहा, पूछताछ करना सरकार का पुलिस का दायित्व है, लेकिन पूरे पूरे दिन पूछताछ नहीं होती है, लोगों के दबाव के आगे उनको छोड़ा गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लोगों का सोच जनसमूह है, अब किसी भी गलत बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार को अपने कान खड़े कर लेने चाहिए कि वो सही काम करेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे, और अगर वो गलत करेंगे, अन्याय करेंगे किसी के भी साथ, तो हम सब लोग उस अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे, सरकार के विरुद्ध खड़े। बिल्कुल, वो तो विधायक के भाई थे, लेकिन किसी ना हर एक के लोग, कॉलोनी किसी भी घर को नहीं उजड़ने दिया जाएगा, हमने पहले भी नहीं उजड़ने दिया, ऐसे दौर हमने बहुत देखे, 1996 से 2005 के बीच कांग्रेस सरकार नहीं थी, कोर्टों में जाके स्टे लिए हमने, हम लोगों के साथ खड़े रहे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी है कि भाई लोगों के मकान नहीं उजड़ेंगे और कोर्ट से जान बचाइए, अगर ये सरकार नहीं सुनेगी हाल तो हम बिल्कुल जमीन पर आंदोलन करेंगे और कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, लेकिन लोगों को नहीं हटने देंगे, ये हमारा वादा। बिल्कुल, लोगों को नहीं हटने देंगे, आपने सुना विजय कुमार जी, आज से लगे रहेंगे और जिस किसी को कोई परेशानी होगी, चाहे झुग्गी झोपड़ी के लोग हों या कहीं पहले भी कॉलोनी के लोग, उन सब के साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।